नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका पिछले क्लास में मैंने कहा था कि इस क्लास के बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री पर उसको मैंने नाभिकीय भौतिकी वाले टॉपिक में रख दिया था हालांकि एक ट्रांजिशनल टॉपिक है वो वहां से आप यहां आ सकते हैं यहां से वहां जा सकते हैं दोनों चीजें आप कर सकते हैं सामान्य तौर पर केमिस्ट्री की के शुरुआत जो है वो पदार्थ और उससे उसकी अवस्थाएं उसके प्रकार इनसे की जाती है लेकिन क्योंकि मैंने इसके ठीक पहले आपको नाभिकीय भौतिकी या एटम के बारे में कुछ जानकारी दी है तो मैं इसकी शुरुआत करूंगा एटम के स्ट्रक्चर से जो परमाणु की संरचना है उससे इसकी शुरुआत करूंगा उससे संबंधित जो बातें हैं थोड़ा बहुत समझेंगे हम लोग केमिस्ट्री जो वर्ड है इसके विषय में दो एक बातें आप जानते रहे तो आपके लिए बेहतर होगा एलकेमी से यह शब्द जो है बाहर आया है एलकेमी एल्केमी का मतलब कीमियागिरी होता है कीमियागिरी का मतलब आपने भी फिलासफर स्टोन या आपने यहाँ पारस पत्थर कहते हैं उसको ऐसे कुछ शब्द सुने होंगे कि जिनके माध्यम से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था यही एल्केमी है कीमियागिरी इसी को कहते हैं एक बड़ा फेमस नॉवेल भी है पावलो कोएलो का एल्केमिस्ट तो जिंदगी भर बेचारा जो है उसी फिलोसोफर स्टोन की खोज जो है वो करता रहता है तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें बेस्ट सेलर नॉवेल है जब से छपा है तब से लगातार जो है वो बेस्ट सेलर बना हुआ है तो एल्केमी शब्द से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री कीमिया कहते हैं इसको जैसे गांधीगिरी या गुंडागिरी वैसे ही कीमियागिरी जो है वो किसी सामान्य धातु से बहुमूल्य धातु प्राप्त करने का प्रयास करें उसी को हम कीमियागिरी कहते हैं या उसी को हम एल्केमी कहते हैं और वो करने वाला जो है वो एल्केमिस्ट कहलाता है इसी शब्द से आगे चलकर जो है केमिस्ट्री बनी केमिस्ट्री का जनक या फादर हमने सबके जो है वो बाप दादाओं की बात की है तो यहां पर भी हम बात करेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं ये 18वीं शताब्दी में थे आ, कुल मिलाकर पचास इक्यावन साल इनकी उम्र रही सत्रह में इनका जन्म हुआ और सत्रह चौरानवे में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी संभवतः तो डेट को लेकर नहीं डेट नहीं याद करने बैठ जाए कब जिये कब मरे उससे कोई मतलब आपका नहीं है मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका समय जो था वो अठारहवीं शताब्दी वही फ्रांसी फ्रांसीसी क्रांति का जो समय था वही समय इनका भी है सत्रह में इनका जो है संभवतः तैंतालीस चौवालिस में इनका जन्म हुआ था और पचास इक्यावन साल जो है वो जिंदा रहे थे इनका नाम था एंटोनी लेवासियर या कई बार इनको हम लेवासिये भी कहते हैं लेकिन लेवासियर इनका नाम याद रखिएगा ये बीपीएससी में एक बार जो है इनका नाम ही पूछ दिया था कि हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री तो ये एंटोनी लेवसियर साहब जो हैं यही फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं इनको ही केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है केमिस्ट्री जो है वो मूलभूत विज्ञानों में से एक विज्ञान है और इसको केंद्रीय विज्ञान कहते हैं क्योंकि यह भौतिकी और जो आपका जीव विज्ञान है इन दोनों के बीच में है इसमें अगर हम एटम और मॉलिक्यूल के लेबर पर डील करते हैं वो जो है वो भौतिकी से जुड़ता है और जब हम कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की के पूरी जो है वो आपके जीव विज्ञान से जुड़ी हुई जब फैट से हम डील करते हैं या प्रोटीन से विटामिन से, ये सब के सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में मैंने पहले ही कहा था कि बायो में ही जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला इशू है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं मैं तो इसको यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में आती है यहां पर जो है वो केमिस्ट्री को स्थान दिया गया है तो केंद्र में होने की वजह से इसको सेंट्रल साइंस भी कहते हैं या केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह सेंट्रल साइंस कहलाता है केंद्रीय विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है यह जो दो और शाखाएं विज्ञान की प्रमुख है भौतिकी और जी विज्ञान इन दोनों के बीच में है यह इससे भी संबंधित है जो को हमने पिछले टॉपिक में देखा जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे थे तो वहां पर नाभिक से हम डील कर रहे थे और जो फिजिकल चेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे लेकिन जब हम केमिकल जो नेचर है एटम का रासायनिक उसकी जो प्रकृति है तत्व या यौगिक बनाने की जब उस पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं तो वह आपके केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है और ऐसे ही जब हम तत्वों और यौगिकों में चलते हैं जो ऑर्गेनिक है जो जैव जैव रसायन है जब उन पर हम चलते हैं तो वह जो है वो बायोलॉजी से आपके जुड़ जाता है तो इन दोनों से जुड़े होने की वजह से ही और इन दोनों के बीच में स्थित होने की वजह से ही इसको हम कहते हैं केंद्रीय विज्ञान अगर जेनेसिस की दृष्टि से भी बात करें मतलब इसके उद्भव उद्भव मतलब का मतलब अध्ययन का उद्भव नहीं केमिस्ट्री की शुरुआत या केमिस्ट्री को हमको पूरी तरीके से समझना हो तो हमको कहां तक जो है वो जाना पड़ेगा तो इसकी शुरुआत जो है जैसे हमने पहले बात की फिजिक्स की शुरुआत जो है वो जैसे बिग बैंग हुआ वैसे ही मानी जाती है हमने चर्चा कर ली थी कि यहां से जो है वो दिक काल पदार्थ ऊर्जा ये सब अस्तित्व में आ गए थे और इनके बीच के जो अंतर संबंध है या अंतर क्रियाएं हैं उन्हीं का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं इसके बारे में हमने बात की थी कि बालीजी क्योंकि अभी तक हमको यही पता है कि पृथ्वी पर ही जीवन है तो पृथ्वी की उत्पत्ति ही चार दशमलव पांच अरब साल पहले हुई थी और जीवन की उत्पत्ति हम मानते हैं थ्री पॉइंट एट बिलियन साल पहले बिलियन ईयरिगु ठीक है तो ये यहां पर आता है केमिस्ट्री जो है इसके तुरंत बाद जो है उसका केमिस्ट्री का जन्म होता है बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक वैज्ञानिक हैं मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर देता हूं उनका नाम है पीटर हिग्स पीटर हिग्स साहब ने जो है वो 1964 में एक अवधारणा दी थी कि जब बिग बैंग हुआ मतलब ब्रह्मांड ने जब फैलना शुरू किया तो जाहिर सी बात है फैलाव होगा तो वह धीरे धीरे करके शीतल भी होगा ठंडा भी होगा हालांकि फैलाव अभी तक जारी है इसका मतलब कि अभी तक ब्रह्मांड पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है तो जब फैलाव शुरू हुआ तो तकरीबन जो है वो बताते हैं वो ये मानते हैं कि 300 से 400 साल बाद ही तो इस इतिहास में 300-400 साल का मतलब जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा सेकंड का भी जो है हजारवा हिस्सा 300 300 से 400 हम बिलियंस की बात करें अरबों की बात कर रहे हैं तो अरबों में सैकड़े की औकात जो होती है वो वही होती है तो उन्होंने कहा कि तीन चार साल के बाद जब थोड़ा बहुत जो है ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो ठंडा होगा जाहिर बात है कि ऊर्जा मुक्त होगी और ऊर्जा जब मुक्त हुई तो एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण हो गया पूरे ब्रह्मांड में पूरा जो हमारा ब्रह्मांड था जितना फैला हुआ था उस समय तक उसमें थोड़ा ठंडा होने की वजह से थोड़ा शीतल होने की वजह से ऊर्जा मुक्त हुई कोई चीज शीतल होगी तो जाहिर बात है कि ऊर्जा को मुक्त करेगी ये बात हम पहले से जानते हैं तो ऊर्जा जब मुक्त हुई तो एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण हो गया पूरे ब्रह्मांड में इस ऊर्जा क्षेत्र को उन्होंने कहा हिग्स फील्ड हिग्स क्षेत्र कहा उन्होंने और उन्होंने कहा कि इस ऊर्जा क्षेत्र में फिर एक रहस्यमयी कण प्रकट हुआ जिसका न कोई आयतन था न कोई द्रव्यमान था ऐसा कण था ये जिसका कोई आयतन या द्रव्यमान नहीं था ऐसे कणों को ऊर्जा कण कहते हैं जिनमें आयतन और द्रव्यमान नहीं होता है ऐसे कणों को हम ऊर्जा कण कहते हैं और ऊर्जा कणों का एक और नाम है बोजॉन हमारे सत्येंद्र बोस के नाम पर हमने जो है उसको बोसॉन नाम दिया है ऐसे कण जिनमें ऊर्जा द्रव्यमान वगैरह नहीं होता है उनको हम बोसॉन के नाम से जानते हैं तो उन्होंने यही कहा कि 300 से 400, से 400 साल के बाद एक जो है ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसको हिग्स फील्ड कहते हैं और हिग्स फील्ड में प्रकट हुआ बोसॉन तो उस बोसॉन को हमने नाम दे दिया हिग्स बोसॉन और इस हिग्स बोसॉन ने जो है वह जो पदार्थ के कण थे उनमें द्रव्यमान पैदा कर दिया तो हिग्स बोजोन जिसको हम गाड पार्टिकल भी कहते हैं उसने जो है वो पदार्थ को द्रव्यमान देना शुरू किया और जब द्रव्यमान प्रकट हुआ तो बड़े कणों का मतलब एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का निर्माण होना शुरू हुआ अणुओं परमाणुओं का निर्माण होना शुरू हुआ और उसके बाद तत्व और यौगिकों का निर्माण शुरू हुआ और यहीं से केमिस्ट्री की के शुरुआत जो है वो हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स की शुरुआत जो है यहां से हुई है केमिस्ट्री की शुरुआत इससे चार से पांच साल के सौ साल के बाद हो गई और जीव विज्ञान की शुरुआत जो है वो बहुत ही बाद में हुई है तीन दशमलव आठ बिलियन साल पहले ठीक है तो अगर हम उद्भव के हिसाब से भी बात करें केमिस्ट्री की तो भी यह फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में ही पड़ता है इसकी शुरुआत यहां से उसकी शुरुआत यहां से और केमिस्ट्री की के शुरुआत इससे तकरीबन तीन सौ से चार सौ साल के बाद इसके मतलब तकरीबन तीन लाख साल के बाद तो अणुओं परमाणुओं का निर्माण ही शुरू हो गया तो यहां से तीन लाख वर्ष पश्चात बिग बैंग के तीन लाख वर्ष पश्चात तो अणुओं का परमाणुओं का निर्माण ही जो है वो शुरू हो गया तो यहां से औपचारिक रूप से केमिस्ट्री की के शुरुआत जो है वो हो जाती है तो अगर उद्भव की दृष्टि से भी बात करें तो केमिस्ट्री जो है फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में पड़ता है और अगर इसके एप्लीकेशन या अनुपयोग की दृष्टि से भी बात करें तो यह फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में ही पड़ता है इसलिए इसको सेंट्रल साइंस या केंद्रीय केंद्रीय विज्ञान विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा विज्ञान है जो कि प्रारंभ से ही मतलब व्यक्ति ने सबसे पहले जिस विज्ञान को जाना और जिस विज्ञान के खेत में काम करना शुरू किया शायद वह जो है वो केमिस्ट्री ही रहा है क्योंकि शुरुआत से ही जो है वो कुछ प्रकार के जो है वो द्रवों का या फर्मेंटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उन सब की शुरुआत जो है वो मनुष्य ने कर ली थी तो आप कह सकते हैं कि अप्लीकेशन के बेस्ट पर भी जो है वो ये एक केंद्रीय स्थान रखता है जितने भी विज्ञान है उनके अंतर्गत तो इसके बारे में इतनी बातें हैं केंद्रीय विज्ञान कहते हैं लेवोसियर इसके जो है वो जनक कहे जाते हैं ये अल्केमी से इसका जो है उद्भव हुआ है ये शुरुआती बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अब एटम और उसकी संरचना के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं एटम क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैं आपसे पिछले टॉपिक बात कर रहा था कि यह जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता यह हमने बात की थी और हमने बात की थी कि जो उन्नीसवी शताब्दी के बिल्कुल प्रारंभिक समय में अठारह सो, सो के आसपास जो है वो जॉन डाल्टन ने एटम शब्द का प्रयोग किया था ये बात हम पहले ही कर चुके हैं और जब एटम के बारे में हमको जानकारी हुई तो उसके बाद हमने जो है वो पता करना शुरू किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और हमने बात की थी कि तकरीबन 1869 के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी 1886 में जो है वो प्रोटॉन की खोज हो गई थी और 1832 में जो है वो न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो जब हम ये जानकारी हमको हो गई कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या ऐसे कणों से मिलकर बना है तो फिर यह बात उठनी शुरू हुई कि यह कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या हम सीधे कहें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, वह कैसे व्यवस्थित होते हैं एक परमाणु के अंदर यह जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे कण हैं वह किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं एक एटम के अंदर यह बात जो है वो, निकल निकलकर सामने आनी शुरू हो गई और इसी व्यवस्था का अध्ययन जो है हम करते हैं एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत ये आप कहें स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम बात करते हैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक मॉडल कुल मिलाकर एटॉमिक मॉडल जो है हमको यही बताता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वह किस प्रकार से परमाणु के अंदर व्यवस्थित होते हैं ठीक है तो सीधे आप कह सकते हैं उप परमाणु कणों की व्यवस्था की व्याख्या जो है वो एटॉमिक मॉडल्स में की गई है कि ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं दो तीन मॉडल्स के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा कर दिया मॉडल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं पहला मॉडल जो इसके अंतर्गत है उसको कहते हैं थॉमसन का मॉडल जे जे थॉमसन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की थी तो थॉमसन ने सबसे पहला मॉडल जो है प्रस्तुत किया था 1904 में इन्होंने जो है मॉडल दिया लेकिन यह बात यहां पर गौर करने लायक है कि थॉमसन के समय तक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज हुई ही नहीं थी तो न्यूट्रॉन विषय इनको पता ही नहीं था इसलिए इनका मॉडल बड़ा दोषपूर्ण रहा इन्होंने जो परमाणु है उसको एक तरबूज की तरह बताया एक तरबूज जैसा ठीक है कि जो हमारा परमाणु होता है वह एक धनावेश गोले जैसा है जैसे आप तरबूज काट लीजिए तो तरबूज का जो लाल वाला भाग है इन्होंने कहा कि यह धनावेश गोला है और उसके अंदर जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है सिंपल इनका यही कहना था कि परमाणु जो है वो एक धनावेश गोला जिसके अंदर ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह धसे होते इलेक्ट्रॉन्स। और इन्होंने यह बात भी, तो कुल मिलाकर के तरबूज जैसा इनका मॉडल जो है तरबूज वाला वाटरमेलन वाला मॉडल है कि लाल वाला भाग तरबूज का जो है वो धनावेशित भाग है उसका और उसमें काले बीज हैं, वो इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणावीषित है लेकिन इन्होंने एक सबसे अच्छी बात कही जिसके लिए इनको नोबेल दिया गया कि कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है मतलब परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है और जो ऋणावेशित भाग है इनके आवेश समान होते हैं ठीक है सिंपली इनका कहना था कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो सबसे पहले इन्होंने जो है परमाणु के उदासीन होने के संदर्भ में कहा था कि किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बराबर होती है तो इन्होंने सबसे पहले बात की थी परमाणु की उदासीनता की व्याख्या की इस परमाणु को उदासीनता यह परमाणु उदासीन क्यों होता है इसके लिए इन्होंने बताया था कि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है जिसका सीधा सा मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वो समान होती है इसका सीधा यही था तो इस काम के लिए इनको जो है कि सबसे पहले इन्होंने इस बात को जो है बताया तो इनका मॉडल तो बहुत जल्दी खारिज हो गया क्योंकि ऐसा होता नहीं है तो ये मॉडल बहुत जल्दी खारिज हो गया क्योंकि अगला एक्सपेरिमेंट जो है तो ये इनका मॉडल था इसमें दोष सबसे बड़ा क्या था सबसे बड़ा दोष ये था कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो ये व्याख्या नहीं कर पाए ये सॉरी न्यूट्रॉन की जब खोज हुई तो इसमें इस बात की व्याख्या हो ही नहीं सकती कि न्यूट्रॉन कहाँ रहता है इनके हिसाब से तो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करने लगे भाई परमाणु में तो न्यूट्रॉन भी होता है तो इस मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं हो सकती है कि न्यूट्रॉन आखिर कहां पर होता है न्यूट्रॉन की क्या पोजीशन है या न्यूट्रॉन की क्या भूमिका है किसी परमाणु के संदर्भ में इसकी व्याख्या आप थॉमसन मॉडल के आधार पर नहीं कर सकते हैं तो थॉमसन मॉडल की सबसे बड़ी कमी यही है जो कि इसमें न्यूट्रॉनों की जो भूमिका है उसकी व्याख्या इसके आधार पर नहीं कर सकते आपको नाम याद रखना जे जे थॉम्सन ने प्रस्तुत किया तो उन्नीस सौ चार में इतना काफी है आपसे मॉडल डिटेल में नहीं पूछेंगे वो, तो इतनी बात ही की। अगला मॉडल जो है वह रदर मॉडल है रदरफोर्ड जो कि प्रोटॉन की, की खोज से संबंधित है तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो 1911 में इन्होंने प्रस्तुत किया था इस मॉडल को 1911 रदरफोर्ड मॉडल आया था बड़ा फेमस इन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया कण का प्रयोग किया है इन्होंने सोने की एक पन्नी पर सोने की पन्नी पर बड़ा ही फेमस बड़ा रोचक एक्सपेरिमेंट है अगर मतलब मैं आपको बताऊं एक्सपेरिमेंट हालांकि सबसे पहले तो आप याद सोना एक धातु है, ये बात आपको मैलिएबल है। होते हैं है, मतलब आघात वर्ध्य होते हैं इस पर आप अगर आघात करेंगे तो ये बढ़ते हैं धातुओं का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि धातुएं जो है वो मैलिएबल होती है आघात वर्ध्यता उनमें पाई जाती है इसका कारण क्या होता है इसका कारण यह होता है कि जो धातुएं होती हैं उनके एटम चद्दर की तरह व्यवस्थित होते हैं जैसे आप जो है वो सौ चद्दर ले लीजिए ठीक है एक चद्दर को मान लीजिए एक एटम मोटी परत उसको अगली चद्दर पर उसको अगली चद्दर पर उसको अगली चद्दर पर, पर और इस तरीके से आपको जो है वो एक सौ चदर मोटी संरचना मिल जाएगी इसमें एक चद्दर एक एटम की परत के बारे में बता रही है दूसरी चद्दर दूसरा एटम की परत है तीसरी चद्दर तीसरे एटम की परत है ये होता है धातुओं के साथ अब जब हम उसको पीटना शुरू करते हैं तो एक एक चादर खिसकती जाती है इसलिए धातुएं फैलती जाती हैं धातुओं में आघात वर्धता सबसे जो है बढ़िया गुण है सबसे जो है वो प्रोमिनेंट गुण है जैसे जैसे पीटेंगे एक एक चद्दर खिसकती जाए खिसकती जाएगी तो पीट पीट के पीट पीट कर आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि वह सिर्फ एक मोटी एक एटम मोटी परत रह जाएगी या पन्नी रह जाएगी यही इन्होंने सोने के साथ किया था सोने को पीट पीट कर पीट पीट कर उन्होंने एक एटम मोटी परत जो है वो प्राप्त कर ली ठीक है और उसको जो है वो ऐसे रख दिया इस तरीके से? और उसके बाद इस पर जो है उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की अल्फा कण जैसा कि आप जानते हैं धनावेश कण है तो अल्फा कणों की जब इन पर इन्होंने इस पर बौछार की तो इन्होंने कई सारी चीजें जो है देखी एक तो ये है कि इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक जो है इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट मेरे ख्याल से इतने तो अपरचित होंगे जब वो कोडक वाले कैमरे आते थे उसमें जो है वो एक लगा करती थी ना फिल्म लगती थी उसको फोटोग्राफी प्लेट कहते हैं उसकी सबसे खास बात क्या होती है कि उस पर जैसे ही कोई विकरण पड़ेगा उस पर निशान पड़ जाता था इसे उसको धूप में अगर आप खोल दिए तो फोटोग्राफी प्लेट बेकार हो जाती थी तो जैसे ही उस पर कोई जो है वो ऊर्जा वाला विकिरण टकराता था या कण टकराता था उस पर जो है चिन्ह पड़ जाता था तो एक फोटोग्राफी प्लेट पीछे लगा दी और देखा इन्होंने कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वह सीधे निकल गए इस पन्नी से जो है वो सीधे अधिकांश कण जो है वो निकल गए तो हमको यहां यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो हमको प्राप्त हुआ जो निशान पड़े थे वो सबसे ज्यादा हमको उस पर फिल्म पर प्राप्त हुए इसका मतलब है कि अधिकांश जो है वो सीधे निकल जा रहे हैं कुछ के बारे में इन्होंने देखा कि वो हल्का सा जो है वो विक्षेपित हो गए अपने मार्ग से इधर चले गए या इधर चले गए अपने मार्ग से हल्का सा जो है वो मुड़ गए और कुछ के बारे में इन्होंने देखा कि वो आए और यहां से वापस लौट आए इधर भी एक फोटोग्राफी प्लेट लगा दे तो आपको पता चल जाएगा तो कुछ जो है वो अपने मार, जो है वो वापस लौट आए कुछ हल्का सा विक्षेपित हो गए और कुछ जो है वो सीधे निकल गए इसी के आधार पर इन्होंने अपने मॉडल के बारे में कहा अब इसको एक एटम मान लीजिए इसको एक परमाणु मान लीजिए मान लेते कि एक परमाणु है ये एक हम एटम मान ये तो इसके आधार पर नतीजा क्या निकलता है कि किसी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है एक नतीजा तो ये निकला अधिकांश भाग जो है वो खाली है क्योंकि अधिकांश जो है किरणें सीधे निकल जा रही हैं। दूसरा नतीजा इन्होंने निकाला कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित है क्योंकि ये धनावेशित कण होते हैं अल्फा कण धनावेशित है तो अगर ये विचलित हो रहे हैं इसका मतलब है कि यह परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेश है धनावेश और साथ ही साथ यह धनावेश भाग जो है वो अत्यंत शक्तिशाली और कठोर भी है तीसरा नतीजा यही निकलेगा तो ये कुछ इन्होंने अपने हिसाब से नतीजे निकाले इसको रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं इनमें समस्या क्या आ गई कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कक्षाओं के बाहर जो नाभिक होता है उसके बाहर चक्कर लगाते इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की व्याख्या हो जाएगी जो धनावेशित भाग है नाभिक जो है उसमें प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा तो भी वह धनावेशित ही रहेगा तो इसकी व्याख्या हो सकती है बाद में न्यूट्रॉन की अगर खोज की जाए बत्तीस में हुई तो इस परमाणु मॉडल के आधार पर न्यूट्रॉन की अवस्थिति की व्याख्या भी हो सकती है कि जो धनावेश भाग है वहीं पर न्यूट्रॉन भी होगा क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रन होता है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर हो सकता है उसके बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है इसमें समस्या जो आई थी इनके साथ इन्होंने कहा जैसे नाभिक ये है धनावेश होता है ये धनावेश भाग इसका नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके बाहर चक्कर लगाते हैं इस तरीके से या ऐसे इसके बाहर जो है वे चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन यहां पर एक समस्या ये आ जाती है कि क्या इनकी कक्षाएं निश्चित होती हैं क्योंकि अगर इस तरीके से यह चक्कर लगा रहा होगा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि चक्कर लगाते लगाते जो है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है फिर इसका मार्ग जो है वो घटता जाएगा और एक समय के बाद जो है वो नाभिक में गिर जाएगा और जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ मिल जाएंगे तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा परमाणु के अस्थायित्व तो की व्याख्या यह नहीं कर पाए कहा कि चक्कर लगाते रहते हैं और चक्कर लगा इनको गतिज ऊर्जा जो होती है हो, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है इसके बीच का जो विद्युत चुंबकीय बल है इससे प्राप्त होती रहती है लेकिन जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये चक्कर लगाते लगाते जो है वो वहां जाकर गिर जाएगा क्योंकि यह जो है वो अनिश्चित गति से चक्कर लगा रहा है तो ऐसे में फिर समस्या हो सकती है इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाए कि परमाणु का अस्थायित्व क्यों है ये चक्कर कैसे लगाते हैं क्या इनकी कक्षाएं निश्चित होती हैं या कक्षाओं के अंदर क्या होता है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं इसकी व्याख्या ठीक तरीके से नहीं कर पाए तो रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी थॉमसन मॉडल कमी क्या थी वह न्यूट्रॉनों की भूमिका के बारे में नहीं बता पाया रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी रही कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाता है जो परमाणु की स्टेबिलिटी है उसका कारण क्या है इसके बारे में यह जो है वो नहीं बता पाता है यह रदर मॉडल की कमी थी उन्नीस सौ ग्यारह का मॉडल था उसके बाद जो जिस मॉडल की चर्चा जहां तक के मॉडल की चर्चा हमको करनी है वो अगला मॉडल है जिसका नाम है नील्स बोहर मॉडल हालांकि एक बात याद रखिएगा मामला नील्स बोहर से बहुत आगे बढ़ चुका है मामला जो है वो नील्स बोहर से काफी आगे बढ़ चुका है लेकिन हम नील्स बोहर मॉडल की बात करेंगे बोहर मॉडल कई बार इसको बोर मॉडल भी कहते हैं जो भी आप कहना चाहें कर सकते हैं नील्स बोहर नाम था इनका यही मॉडल सबसे ज्यादा जो है वो माना जाता है हालांकि ये मॉडल जो है आया था उन्नीस में और इन्होंने जो है वो जो परमाणु है उसके विषय में पूरी तरीके से जो है वो जानकारी दी जो हम मॉडल पढ़ चुके हैं वही मॉडल इन्होंने कहा कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिसकी वजह से नाभिक धनावेश जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और जैसे जैसे नाभिक से इनकी दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ती जाती है मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि मैं इसको डिटेल बता सकूं इस तरीके से तो ये जो है वो नाभिक हो गया और ये इलेक्ट्रॉनों की कक्षा हो गई ठीक है ये जो है वो पहली कक्षा है कक्षा को हम कोश कहते हैं बेसिकली शेल ठीक है इन शब्दों को ध्यान से समझते जाइएगा क्योंकि अब जो है मामला कॉम्प्लिकेटेड होने होगा अभी तक तो सिर्फ मॉडल का नाम आपने पढ़ा था तो यह जो है कोश है कोश और कोश को एन से दिखाते हैं कोश जो है वो शेल कहते हैं इसको जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं ठीक है थेके? तो यह जो है वो एन वन है यह जो है वो एन टू है यह जो है वो एन थ्री है और यह जो है वो एन फोर है कोश एन कक्षा कोश कहिएगा ज्यादा बेहतर रहेगा शेल वन शेल टू शेल थ्री शेल फोर ठीक है इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग एन वन जो होता है उसको हम के कहते हैं मतलब यहां पर आप के कह सकते हैं एन टू जो होता है उसको हम एल कहते हैं इसको आप एल कह सकते हैं एन थ्री जो होता है उसको एम कहते हैं और एन फोर जो होता है उसको एन कहते हैं M, N. ये इन्होंने बनाए कि इस तरीके से जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसका कोश में इस कोष में इस कोष में के एल एम एन कोश में या एक दो तीन चार पांच छह ऐसे कोशों जो यह कोश है इसमें निम्नतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये और ये उच्चतम ऊर्जा कोष है निम्नतम ऊर्जा कोष सबसे n1 है या k है और उच्चतम ऊर्जा कोष जो है वो एन फोर है या एम है एम है सॉरी और इनकी ऊर्जाएं जो है निश्चित होती हैं इसीलिए अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं अगर किसी इलेक्ट्रॉन की मतलब यहां पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर बढ़ गई तो वह जो है वो इसमें चला जाएगा लेकिन अपनी ऊर्जा त्याग कर फिर से अपनी मूल कक्षा में वापस आएगा किसी वजह से अगर ऊर्जा बढ़ती है तो वह अपनी अगली कक्षा में जो है शिफ्ट हो जाता है लेकिन उसके बाद जल्दी ही अपनी ऊर्जा जितनी उसकी बढ़ी थी उसको त्याग कर जो है वो वापस आ जाएगा तो ये इनके द्वारा जो है बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निश्चित कोशों में चक्कर लगाते हैं जो तुरंत बाद वाली नाभिक तुरंत बाद वाली कक्षा होती है वह एन वन कक्षा है या वन कक्षा है फिर टू थ्री फोर इस यह सबसे न्यूनतम ऊर्जा की कक्षा है और ये सबसे उच्चतम ऊर्जा की कक्षा होती है ये बात इन्होंने सबसे पहले बताई अब बात आई कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गई अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे होता है इलेक्ट्रॉन कैसे अरेन्ज होते हैं अब इसको बताइए आपने जो मॉडल बताया इससे सब कुछ व्याख्या होगी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन बाहर निश्चित जो है वो ऊर्जा कोशों में पाए जाते हैं इससे अस्थायित्व की व्याख्या हो गई किनकी ऊर्जा जो है हमेशा स्थिर रहती है तो अस्थायित्व की व्याख्या हो गई कम ज्यादा नहीं होगी तो नष्ट नहीं होगा ओके ये भी बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ये तो संख्यान नहीं बता दिया था कि बराबर होती है तो परमाणु की उदासीनता की भी व्याख्या हो गई मुद्दा आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं जो बाहर के कक्षाओं की आप बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या होती है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहां तक आए हैं तो मैं शॉर्ट में आपको जो है वो ये बात बता रहा हूं आप इसको गौर से देखिएगा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफरेशन कहते हैं बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक है बहुत गौर से समझना है आपको इसमें जो सबसे पहली बात आती हुआ आती है कोश शेल्स ठीक है तो नाभिक के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन शेल्स में या कोशों में होता है और इनको हम कहते हैं एन तो वन एन टू एन थ्री एन फोर के एल एम एन ठीक है और इन कोशों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किस कोश में एन वन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा एन टू में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है तो कोशों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है इसके लिए आती है बोरबरी योजना 1921. नील्स बोर प्लस चार्ल्स रोलजे बरी ब्रेक में कर लेते हैं नील्स बोहर प्लस चार्ल्स रूल जे बरी बोरबरी योजना लेकर आए बोरबरी योजना बड़ी मजेदार योजना है तो बोरबरी योजना थोड़ा समझ लिया जाए बोरबरी योजना के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है टू एन स्क्वायर किसी भी कक्षा में टू एन स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब क्या है एन बराबर वन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टू इन टू वन स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दो एक पूरे एक बराबर एक दो एक के दो बराबर दो इलेक्ट्रॉन तो जो पहली कक्षा है एन वन इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या दो होगी एन टू में टू इंटू टू स्क्वायर ये है आपके एन वन में ये है एन टू में दो दूनी चार दूनी आठ कितने हो गए आठ तीसरे में तीन में तीन का नौ नौ दूनी अठारह चौथे में टू इंटू फोर स्क्वा चार चौक सोलह दूनी बत्तीस बोरबरी योजना बोरबरी योजना के अनुसार के कक्षा जो के जो है कक्षा या सीधे कहें तो एन वन कक्षा जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एल में मतलब एन टू में आठ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एम मतलब एन थ्री में अट्ठारह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एन मतलब एन फोर में बत्तीस इलेक्ट्रॉन हो सकते ठीक है दो आठ अठारह बत्तीस बोरबरी योजना यह मुद्दा कर आया पहली बात तो ये बोरबरी योजना ये है लेकिन इसमें एक और बात है बोरबरी योजना साथ एक और बात है। इसको यही समझ लीजिए क्योंकि आगे संयोजकता में काम आएगा अगली बात ये है जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल अष्टक का नियम अष्टक का नियम ये मेरे ख्याल से आप में आ गया होगा अष्टक का नियम देखिए इसी का अगला पार्ट है बोरबरी बोरबरी योजना योजना का अगला पार्ट ठीक है पहली बात तो ये है गई हो गई हो कि, कि, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम नंबर ये होगा ये अधिकतम संख्या बताई जा रही है आप कि पहली कक्षा में के में केवल मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो अगली कक्षा आएगी एल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितना होगा आठ अगले में मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 और अगले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अधिकतम संख्या है इलेक्ट्रॉनों की ठीक है दूसरी बात इसमें आती है तो पहला ये 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 हो गया फर्स्ट ये पार्ट ये था इसका बोर का दूसरा पार्ट है अष्टक का नियम अष्टक का नियम का नियम क्या है किसी परमाणु की जो वाहतम कक्षा होगी सबसे बाहरी कक्षा जो होगी उसमें अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन रहेंगे बस अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा नहीं मैं कुछ के आपके सामने लिखता हूं आप आप मुझे बताएं इसके हिसाब से लेकिन एक बात इसमें और है एक अपवाद भी है इसको ध्यान से समझ लीजिए फिर अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझ जाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें लेकिन एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो समझ जाएंगे एक अपवाद है इसका अपवाद क्या है अगर पहली ही कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है फर्स्ट सेल ही सबसे बाहरी कक्षा अच्छा है मतलब एन बराबर वन या के कक्षा अच्छा ही सबसे बाहरी कक्षा अच्छा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या दो होगी ये एक अपवाद है क्योंकि आपको पता है इनमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते तो आठ कैसे होंगे पहला नियम बोरबरी का यही है ना कि में तो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते तो पहला नियम की दूसरा नियम थोड़ी करेगा अष्टक का नियम जो है वो मैं कुछ आपके सामने जो है वो रखता हूं और प्रैक्टिस कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के जो 20 शुरुआती आपके तत्व हैं उनके बारे में जरा बात कर लीजिए तो मेरे ख्याल से इससे आपको जो है वो समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री का अंतिम टॉपिक है जिसमें हम लोग कुछ बात कर सकते हैं बाकी टॉपिक तो रटने वाले हैं ठीक है बाकी मैं आपको यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना बता नहीं सकता साबुन कैसे बनता नहीं बता सकता उसका कोई मतलब नहीं है वो आपको रटना ही पड़ेगा ये अंतिम टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जो कुछ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं तो वही मैं कर रहा हूं देखे जरा हाइड्रोजन एक होता है ठीक है दो लिथियम बेरिलियम, बोरॉन ठीक है मेरे ख्याल से इनसे परिचित होंगे आप कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन इसके बाद फ्लोरीन ठीक है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बेरेम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन इनके जरा दो आठ अठारह वाले कंफिग्रेशन लिखे जाए जरा क्या निकल कर आएगा बोरबरी योजना के अनुसार इनका कंफिग्रेशन लिखा जाए देखें क्या निकलता है इसका तो कुछ नहीं निकल सकता एक ही होगा इसमें तो कुछ है ही नहीं इसका भी दो ही होगा यहां से मामला आएगा तो पहली कक्षा में दो के में एल में आठ होने चाहिए लेकिन आठ है ही नहीं तो जो बचा हो अगली कक्षा में एक इसके साथ पहली में दो दूसरी में भी दो इसके साथ पहली में दो दूसरी में तीन इसके साथ पहली में दो दूसरी में चार इसके साथ पहली में दो दूसरे में पांच पहली में दो दूसरे में छह पहली में दो दूसरे में सात पहली में दो और दूसरे में आठ ठीक है यह शुरुआती दस है अगले दस भी देखें जरा इससे कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी आपको जो सारे नियमों समझ में आ जाएंगे अगले दस क्या है सोडियम ग्यारह होता है मैग्नीशियम बारह एल्युमिनियम तेरह सिलिकन चौदह फॉस्फोरस पंद्रह सल्फर सोलह क्लोरीन सत्रह आर्गन अठारह पोटेशियम उन्नीस कैल्शियम बीस इसको भी लिखिए। ये शुरुआती बीस एलिमेंट है तो इनका एग्जाम्पल ले लिया सरल है नहीं तो फिर बहुत ज्यादा जो है वो झंझट पड़ जाती है ठीक है आइए देखा जाए इसका भी लिखा जाए दो आठ अब जाएगा के एल एम वाले में तो उसमें गया एक फिर दो आठ दो दो आठ तीन दो आठ चार दो आठ पांच दो आठ छ आठ सात दो आठ आठ यहां तक तो ठीक है अगला खेल जो है वो आप इसी के नियम का पालन करते हुए पहुंचेंगे पहले नियम का दूसरे नियम पर ध्यान नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा जैसे आप क्या लिखेंगे दो आठ नौ और इसको क्या लिख देंगे दो आठ दस दो आठ अठारह बत्तीस हमने पढ़ रखा है लेकिन हमें ये भी तो दूसरा नियम पढ़ रखा है दूसरा अष्टक का नियम है भाई सबसे बाहरी कक्षा में आठ से ज्यादा हो ही नहीं सकते तो सबसे बाहरी कक्षा में नौ कैसे हो जाएंगे या सबसे बाहरी कक्षा में दस कैसे हो जाएंगे तो सबसे बाहरी कक्षा हो गई ना इसमें तो तीन ही कक्षा है के एल एम तीन ही कक्षा निकल रही है और सबसे बाहरी कक्षा ये है और सबसे बाहरी कक्षा में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते कहने का मतलब कि ये बात तो गलत है ये मुद्दा जो है वो सही नहीं है और ये मुद्दा भी सही नहीं है तो क्या होना चाहिए दो आठ आठ एक अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाए क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में आठ ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं दो आठ आठ दो ऐसे होगा ये इस तथ्य को ध्यान रखना है नहीं तो फिर समस्या जो है वो गंभीर हो सकती है तो ये पहली बात हो गई कक्षा कोश ठीक है कोश में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरीके इसको याद रखिए कि अभी आगे फिर से आएगा जब हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी में एक बार फिर से इसकी चर्चा की जाएगी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके आगे बढ़ने की आपको इतनी जरूरत है नहीं अगर देखा जाए तो इसके आगे बढ़ने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं आपका काम इतने से हो जाएगा छोटा सा एक वर, इसमें जो है वो टॉपिक आ जाता है तो मैं आपको उसको बता देता हूं हो सकता आप समझ ही जाए समझ में ना आने लायक कोई चीज तो है नहीं तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कोश जो है वह उपकोष में डिवाइडेड होता है कोश उपकोष में डिवाइड होता है अब इसको देखिए कोश जो है शेल, सब शेल्स में डिवाइड होते हैं और उपकोष जो हैं वह है एस पी डी एफ ये उपकोष है ठीक है अब आइए देखे कोश में उपकोष देखा जाए एन या के कर लीजिए ये इसमें कितने उपकोष होंगे जितना ये है बस तो इसमें केवल एक उपकोष होगा एस एल एन बराबर टू तो उपकोषों की संख्या दो कौन कौन सा एस पी नेक्स्ट एम एन बराबर थ्री एन एन बराबर फोर तो यहां पर तीन होगा एस पी डी और यहां पर चार होगा एस पी डी एफ तो ये उपकोषों की संख्या जो है वो कोशों की संख्या पर है तो पहली कक्षा में एक उपकोष है जिसको हम एस कहते हैं दूसरी में जो है वो ये है तीसरी में ये है चौथी में ये है ठीक है इसको हम वन एस लिख सकते हैं इसको हम टू एस टू पी लिखेंगे ऐसे वन एस का मतलब यह बता रहा है कि कोश नंबर एक का उपकोष है ये कोश नंबर टू का के उपकोष कोश नंबर थ्री के उपकोष कोश नंबर फोर के उपकोष ठीक है इसमें कोई ऐसा मतलब न समझने लायक तो चीज है ही नहीं अगर देखा जाए तो हम सीधे बात करें भाई कोश जो है वो होते हैं के एल एम चार कोश हमने देखे थे और भी हो सकते हैं पांच छह आठ दस पंद्रह के लिए कोई दिक्कत नहीं है जितने आप बढ़ा लें उसकी समस्या नहीं है कैसे उसमें जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से बोरबरी योजना से तय कर लीजिएगा मान लीजिए कक्षा अच्छा नंबर पांच कर दीजिए तो आप बोरबरी योजना से कर लीजिए पांच पच्चीस धोनी पचास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्या दिक्कत है उसमें उपकोष कोष जो है उपकोषों में विभाजित होता है और उपकोष जो है आपके चार प्रकार के हैं ये पहले में जो है वो एक होता है दूसरे में दो होता है तीसरे में तीन होता है चौथे में चार होता है पांचों में पांच होगा चारों में छह होगा चलता जाएगा ठीक है तो ये जो है वो कोष और उपकोष वाला मुद्दा है कंफिग्रेशन लिखते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन इसमें जाते कैसे हैं एक मुद्दा यह भी आता है कि कब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जाएगा कब इसमें जाएगा कब इसमें कब कैसे जाएगा अरेंजमेंट कैसे होगा इसके लिए एक नया रूल है आफबाऊ प्रिंसिपल जरूर तो नहीं है आपको आफबाऊ प्रिंसिपल की लेकिन अगर आप जानना चाहें पहली बात तो जान लें आफबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है फर्स्ट थिंग तो ये है कि आफबाऊ जो है जैसे इसमें जितना आगे बढ़ते जाएंगे जैसे अभी बोरबरी प्लान की आपने बात की राष्ट्रक प्लान की बात की अब यहां तक के बाद अब आगे बढ़ेंगे तो आपको आफबाऊ योजना समझा आफबाऊ का सिद्धांत समझना पड़ेगा अफबाऊ सिद्धांत समझने के बाद आपको हुंड का नियम समझना पड़ेगा और हुंड के नियम के साथ साथ आपको पाउली नियम समझना पड़ेगा ये सारे एक साथ मिले हुए अलग अलग नियम जो है दिए गए हैं तो अफवाऊ प्रिंसिपल ये बताता है अफबाऊ का सिद्धांत ये बताता है कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं कब इलेक्ट्रॉन इसमें जाए कब इसमें जाए में कब इसमें इस तरीके से जो है अफवाऊ प्रिंसिपल हमको बताता है देखें जरा फबाऊ का सिद्धांत अफबाऊ जो है ये एक जर्मन वर्ड है अफबाऊ जो है वो एक जर्मन वर्ड है इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन निर्माण ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है अफबाऊ इसको याद रखिएगा अफवाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है अफवाओं ने बताया था कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे जो है कोशों से उपकोषों में कैसे जाते हैं बड़ा सीधा सा इन्हो बड़ा सरल सा एक जो है इन्होंने तरीका बताया था और बताया था ये वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ आगे फाइव जोड़ना चाहें आप जोड़ लें कोई समस्या नहीं इन्होंने बड़ा सिंपल से बताया है कि देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है इसमें जाएगा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इसको ऐसे माल कर कि पहले इसमें जाएगा फिर उसके बाद इसमें जाएगा। इसमें, बाद इसमें जाएगा इसमें जाने के बाद इसमें जाएगा इसमें जाने के बाद इसमें जाएगा इसमें जाने के बाद इसमें जाएगा और इसमें जाने के बाद इसमें जाएगा इसमें जाने के बाद इसमें जाएगा और अगर आगे कक्षा हो तो उसके बाद जाएगा एग्जाम्पल समझते मान कि हम कैल्शियम का ही लिख लें कैल्शियम जो हमारा था बीस ट्वेंटी हमको पता है छोटा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कैल्शियम का कंफिगरेशन अगर हम लोग लिखें कैल्शियम ट्वेंटी तो कोश वाला तो हमको पता है दो आठ आठ दो कोश में ऐसे जाएगा उप कोशों में कैसे जाएगा इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन तो कैसे जाएगा वन एस टू पहले इसमें उसके बाद इसमें टू एस टू इसके बाद इसमें टू पी अच्छा एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं आपको एक चीज भूल गया ये जो आपके ये है सारे कोष जो है ये इसको भी जान ले उपकोष के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर ले पहले आप बाबू आपने देख लिया अब उपकोषों के विषय कुछ जानकारी प्राप्त करिए फिर कंफगरेशन को समझेंगे तभी समझ में आएगा उपकोष मतलब एस पी डी एफ ठीक है उपकोष उपकोष जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं उपकोष कक्षक में विभाजित होते हैं कक्षक क्या है ऑर्बिटल क्या है ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है ऑर्बिटल्स वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन वास्तव में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन का अंतिम पता जो है फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो ऑर्बिटल है तो कक्षा देखें कैसे जा रहा है शेल सब शेल ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां होता है ऑर्बिटल्स में होता है मैं अभी आपको तीनों एक साथ समझा देता हूं ऑर्बिटल्स में होगा कक्षक मीन को कक्षक कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की अंतिम अवस्थिति है या इसको ऐसे परिभाषित करते हैं एक ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है इसको ऑर्बिटल कहते हैं ठीक है थीके? अब ये जो आपका एस है इसमें एक कक्षक होता है पी में तीन कक्षक हैं डी में पांच कक्षक हैं और एफ में सात कक्षक हैं ठीक है और किसी कक्षक में केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं किसी भी इसमें दो रह सकता है इसमें दो रह सकता है इसमें दो अभी इसको मैं आपको समझा देता हूं चलिए इसको देख लेते हैं पहले फिर इलेक्ट्रॉन संख्या की बात करेंगे जैसे हम एक परमाणु ले इसका नाभिक हो गया ये इसकी कक्षाएं हो गई के एल एम इस तरीके से इसके एक सेक्शन काट काट ले लेते हैं हम लोग और उसके हिसाब से समझते हैं लेख हम इतना काट के निकाल लें इतने में समझने की कोशिश करें सिर्फ इतने में कि क्या जो है वो मामला निकल कर आ रहा है ये कक्षा के है ये एन इज इक्वल टू वन या आप के कर लें इसको तो ये उपकोष ये कोश हो गया कोश उपकोष एस जी नेक्स्ट ये हमारा है एम या हम कह सकते हैं दो तो उपकोष क्या होंगे एस पी तो एस है पी है ये था एस नेक्स्ट एस पी डी ये क्या है हमारा सॉरी एल था ये केक बाद एल ये हमारा एम है मतलब तीन आगे वन टू थ्री फोर एस पी डी एफ ये हमारा है एम फोर तो पहला एक उपकोष है दूसरी कक्षा जो यहां पर देख रहे हैं इसमें जो है वो दो उपकोष है यहां पर जो है तीन उपकोष है जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं ये फर्स्ट वाला था ये इसके बाद ये दूसरा वाला है ये ये तीसरा वाला है वो ये चौथा वाला है वो तो एक कोश एक कक्षा जो है वह चार उपकोषों में डिवाइड हो रही है जो आपकी अंतिम वाली है तो एस अब ये हो गया मुद्दा एक अब बात आती है ऑर्बिटल की तो ऑर्बिटल यहां होगा जैसे ऑर्बिटल को समझना चाहते हम ऐसे समझें एस में एक ये ऑर्बिटल है एस है एक पी है एक दो तीन एस है एक पी है एक दो तीन डी है तो इसमें पांच होगा एक दो तीन चार पांच एस है फिर से एक पी है एक दो तीन डी है एक दो तीन चार पाँच एफ है तो सेवन होगा इसमें एक दो तीन चार पांच छ सात इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो दो यहां पर हो गया तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो पी में कितने हो सकते हैं तीन कितने छ सकते हैं पांच दुनी दस और एफ में कितने हो सकते हैं सात दूनी चौदह यह बात भी एक महत्वपूर्ण बात है पीछे लौटे तो ये और एक कक्षक में जो है वो इलेक्ट्रॉन संख्या यहां पर मैक्सिमम दो रह सकते हैं तो यहां पर अधिकतम संख्या दो होगी यहां पर अधिकतम संख्या छह होगी यहां पर अधिकतम संख्या दस होगी और यहां पर अधिकतम संख्या दस होगी चौदह होगी ये है इलेक्ट्रॉन्स की मैक्स संख्या ठीक है कैसे भरते हैं पे हुंड का नियम आ जाएगा वहां तक मत जाइए मत मैं बता दूंगा लास्ट में जाते जाते लेकिन ये है तो अंतिम जो है वो कक्षक होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं मौजूद होते हैं कक्षक जो होते हैं वो ये हैं एस में जो है एक कक्षक होता, होता है पी में जो है तीन ऑर्बिटल्स होते हैं डी में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं में सात ऑर्बिटल जो भी आपने देखे और एक कक्षक में जो है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या जो है वो दो हो सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती है कतई नहीं हो सकती है तो एस में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि एक ही कक्षक है पी में तीन कक्षक है तो छह इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं डी में जो है वो पांच कक्षा के तो दस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ में सात कक्षा के तो मैक्सिमम चौदह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अब यहां पर लौटेंगे तो इसको समझ जाएंगे इसको तो शुरू करें वन एस टू दो मैक्सिम हो सकते हैं फिर इसके बाद आ जाएगा फिर से लौट करिए इस पर तो टू एस टू फिर से इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट पास फिर ये इधर आएगा टू पी सिक्स ठीक है क्योंकि p में छह हो सकते हैं तो टू पी सिक्स के बाद यह आ गया फिर से थ्री एस पर थ्री एस टू थ्री एस के बाद ये आ गया फोर एस पर फिर से सॉरी थ्री एस के बाद जो है वो इधर से आएगा ये आपका थ्री पी आ गया ठीक है तो थ्री पी सिक्स इसको ऐसे देखेंगे आप इधर से भरा फिर ये भरेगा फिर यह भरेगा फिर यह भरेगा फिर यह भरेगा फिर ये भरेगा ठीक है तो वन एस टू हो गया टू एस टू हो गया टू पी सिक्स हो गया थ्री एस टू हो गया थ्री पी सिक्स हो गया अब फोर एस टू आएगा तो कितने इसको गिन भी ले दो दो चार छ चार दस दस दो बारह बारह छह अठारह से भरेगा इस तरह देखते हैं तो यह जो है वो इसी तरीके से भरता है कि पहले इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा इस तरीके से जो है यही है आपके अरेंजमेंट जो हम बात करते हैं या आफबाऊ निर्माण की व्यवस्था जो है वो इस तरीके से आपकी चलती है एंड सो। so. तो इस तरीके से जो है वो एरो को खींच लेंगे आप और आपको लिखने की जरूरत कभी नहीं आएगी लेकिन अगर कहीं आप लिखा हुआ देखते हैं तो इस बात को समझ जाएगी किफबाऊ कि के हिसाब से जो है वो भरा गया है और आफबाऊ इस तरीके से जो है वो भरने के लिए बताते हैं आफबाऊ प्रिंसिपल सिंपल ये होता है और इस तरीके से जो है वो कंफिगरेशन को हम लोग लिखते हैं तो आइए देखते हैं आगे संयोजकता और संयोजक इलेक्ट्रॉन की अवधारणा को समझते हैं थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की अवधारणा बड़ी साधारण सी अवधारणा है देखिए दो तीन बातें इसके बाद में शुरुआती आप जान लीजिए कि प्रत्येक जो यौगिक है जो भी है उसकी ये ख्वाहिश होती है प्रत्येक परमाणु की इनफैक्ट यह इच्छा होती है कि वह अपनी बाह्य कक्षा में अष्टक को पूरा कर ले मतलब जो उसकी बाह्यतम कक्षा है उसमें मिनिमम आठ इलेक्ट्रॉन जो है वो कर ले ये उसकी इच्छा होती है ठीक है तो अगर यह अष्टक जो है वो पूरा नहीं है तो जो एटम होता है या जो एलिमेंट होता है जो तत्व होता है वह दूसरों के साथ मिलकर या दूसरे परमाणुओं के साथ मिलकर जो है वो अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करता है परमाणु वाहत कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स को पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणुओं से अंतर क्रिया करते हैं यह क्रिया समान तत्व के परमाणुओं में भी हो सकती है एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं के बीच हो सकती है या अलग अलग जो तत्व हैं, उनके परमाणुओं के बीच में भी हो सकती है यह कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है इसके लिए ऐसे तत्व जिनके बाह्य कक्षा में या वाहम कक्षा में जो अष्टक है वो पूर्ण है वो निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं उनको क्योंकि अपने अष्टक को पूरा नहीं करना है उनका पेट जो है वो भरा हुआ है तो वह जो है वो निष्क्रिय प्रकृति के होते हैं ऐसे तत्व तो जो है वो उनको उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में या मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं उनको उत्कृष्ट नोबल या निष्क्रिय गैस कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाशीलता की दृष्टि से ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह रासायनिक सक्रियता या रासायनिक अभिक्रियाशीलता की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं इसके अंतर्गत जो है वो नोबेल गैसेस को रखा जाता है जैसे एग्जाम्पल उत्कृष्ट नोबल गैसें जिनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं ये गैसी अवस्था में पाए जाने वाले तत्व तो हैं तो इनकी वाहितम कक्षा में जो है पांच मतलब इस तरीके के जो है वो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले हैं वो हैं आपके आप अगर देखें इसको तो हीलियम अच्छा हीलियम के संदर्भ में जो है वो इस बात को याद रखना है कि इसकी वाहतम कक्षा जो है वो पहली कक्षा इसकी वाहतम कक्षा है तो इसमें जो अपवाद वाला इशू था वो लग जाएगा ठीक है तो इसमें अपवाद वाला इशू लग जाएगा इस तत्व को ध्यान रखना है दो है तो ये अपवाद वाला मुद्दा इसमें आ जाएगा तो हीलियम जो है वो एक ऐसा तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह एक निष्क्रिय तत्व है क्योंकि इसका जो बाह्य कोष है वह पूरा भरा हुआ है अष्टक तो पूरा नहीं है लेकिन क्योंकि इसकी पहली कक्षा इसकी अंतिम कक्षा है या वाहतम कक्षा है तो इसमें अपवाद लग जाएगा अगर पहली कक्षा जो है वाहतम है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन ही पूर्ण माने जाएंगे नियॉन नियॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है दस होता है तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यह दो और आठ हो जाएगा इसकी वाहतम कक्षा जो है पूरी है ऐसे ही आर्गन आर्गन जो है वो अट्ठारह होता है इसका परमाणु क्रमांक जो है अठारह है तो दो आठ आठ पूरा है इसको कोई समस्या नहीं है ऐसे ही आगे बढ़े तो क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन जो है थर्टी सिक्स होता है इसका छत्तीस तो दो आठ अठारह और आठ तो आठ इसमें भी आ गया तो यह भी जो है वो इसकी भी बाह्यतम कक्षा जो है उसमें आठ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आर्गन क्रिप्टन आगे हम बढ़े तो जीनॉन आता है हमारा 54 होता है इसका आप बनाए कितना निकल कर आ रहा है बाह्यतम कक्षा में इसके भी आठ ही होंगे अगला है रेडॉन अच्छा ये मैंने फुल फॉर्म जो है अच्छा इसको जो है एक्स ई से लिखते हैं और इसको आर ए से लिखते हैं ठीक है हीलियम एच ई है आर्गन क्रिप्टन इसका एटी सिक्स है तो आप करके देख लीजिए आपको नतीजा जो है वो मिल जाएगा कि कितना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक संख्या या जो कंफिग्रेशन है उसको आप देख सकते हैं इसमें एक और है ये जो है जितने आपके सामने लिखे गए हैं एक दो तीन चार पांच और ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ऑर्गेनिक जो है वो या इनर्ट गैसे हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे तत्व हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं एक जो है और इसके साथ जो है पाया जाता है उसको ऑगेनिसन बोलते हैं एक सौ अट्ठारह उसका इसको अलग से लिखा ओ जी से इसको दिखाते हैं एक सौ अठारह है इसका यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता यह संश्लेषित है ठीक है बानवे के ऊपर जितने भी तत्व होते हैं आप जानते हैं को सारे के सारे जो है वो प्रकृति में नहीं पाए जाते तो इनको प्रयोगशाला में बनाया गया तो यह भी एक जो है निष्क्रिय तत्व है निष्क्रिय गैस है जो कि प्रकृति में नहीं पाई जाती है तो अगेन से लिखते हैं ये जो आपके छह हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन ये ऐसे तत्व हैं जिनका अष्टक जो है पूरा है हीलियम को छोड़ दें तो उसमें तो दो ही है बाकी सब में जो है वो बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा है इसीलिए जो है रासायनिक अभिक्रिया की दृष्टि से जो है वो निष्क्रिय हैं इनको इनर्ट गैस कहते हैं ऐसे तत्व तो है जो गैसी अवस्था में तो इनर्ट गैस कहते हैं नोबिल गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं तो ये तथ्य पहले आपको ध्यान रखना है फिर अब उस बात को आगे बढ़ाते हैं पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है वायलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन तो वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वायलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाती है बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, है वो वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो बार बार लिखने की आवश्यकता हमको है नहीं हमारे पास ये ऑलरेडी है ये। अगर हम बात करें कि जो हाइड्रोजन है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो एक है हीलियम दो है एंड सो ऑन जितना भी आपको दिख रहा है नियॉन का आठ है क्लोरीन का सात है कैल्शियम का दो है पोटेशियम का एक है वाहितम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी को हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं या जिनका अष्टक पूरा है उनकी बात हमने कर ली अगर अष्टक पूरा नहीं है तो जो परमाणु है वह दूसरे परमाणुओं से संयोजन स्थापित करते हैं उनके साथ जो है वो संबंध स्थापित करते हैं संयोजकता अगला इशू इस इसमें आता है इसको एक लाइन में कहें तो यह है परमाणु की संयोजन क्षमता इसको सीधे हम कर सकते हैं संयोजन क्षमता या हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाएं तो हम कह सकते हैं अष्टक पूरा करने के क्रम में क्योंकि उसको अष्टक पूरा करना ही करना है वाहितम कक्षा अच्छा में आठ इलेक्ट्रॉन उसको पूरे करने ही करने हैं तो अष्टक पूरा करने के क्रम में त्यागे गए प्राप्त की ग्रहण किए गए या साझा किए गए तीन चीजें इसमें हैं अष्टक पूरा करने के क्रम में कई बार इलेक्ट्रॉन को त्याग भी दिया जाता है छोड़ दिया था चलो जाओ जरूरत तो नहीं है एग्जाम्पल में दूंगा आपको भी कई बार इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरा ले लेता है कि चलो यार एक आ जाओ मेरा अष्टक पूरा हो जाए एग्जाम्पल में भी देता हूं या कई बार जो है दो मिलकर आपस में साझा कर लेते हैं कि यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन अपने में गिन लो तुम्हारा एक मैं अपने में गिन लेता हूं हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा तो संयोजकता का मतलब है कि अष्टक पूर्ण करने के क्रम में परमाणु के द्वारा परमाणु द्वारा त्यागे गए ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है तत्व की संयोजकता क्योंकि तत्व का मतलब यहां पर उस तत्व के जितने परमाणु सारे के सारे एक जैसे ही हैं तो इसको कहते हैं परमाणु या तत्व की संयोजकता ठीक है अब इसकी दो स्थितियां होती हैं संयोजकता के संदर्भ में दो स्थितियां हैं कितना देगा कितना त्यागेगा कितना नहीं त्यागेगा इसके संदर्भ में दो स्थितियां बनती हैं अगर बाह्य कक्षा में एक से लेकर चार इलेक्ट्रॉन है दूसरी स्थिति है चार से अधिक है ये दो स्थितियां हैं ठीक है पहली स्थिति में इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता होगी यही इसकी संयोजकता होगी लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार से अधिक है तो एट माइनस वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसको ज्यादा बेहतर समझ पाए जैसे हम बात करें इसके संदर्भ में तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन संख्या एक है तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक है हीलियम की संयोजकता दो है लिथियम की संयोजकता एक है।, की जो है, वो ये है।, की ये है कार्बन की संयोजकता चार है लेकिन जब बात आती है नाइट्रोजन की तो इसकी संयोजकता होगी आठ माइनस पांच तीन आठ माइनस दो छठ माइनस सात एक यहां तो शून्य संयोजकता होगी आठ माइनस आठ शून्य है यहां तो कोई मतलब ही नहीं रह गया तो इसकी संयोजकता शून्य है क्योंकि इनर्ट है तो इस तथ्य को ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से लेकर चार तक है तो फिर हम उसी को गिनते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही उसकी संयोजकता है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा या उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है वो साझा करेगा लेकिन अगर चार से ज्यादा हो जाए पांच छह सात या इस तरीके की कोई संख्या हो जाए तो उसके लिए फिर साझा करना त्यागना ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है तो फिर उसको हम आठ माइनस जो है वो जो भी आएगा अष्टक पूरा करना है तो आठ में कितने कम है उतनी ही उसकी संयोजकता जो है होती है यह तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है नहीं तो फिर समस्या जो है वो आपको होने लगेगी तो संयोजता क्या है पहले तो याद रखिएगा त्यागे गए ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किस लिए अष्टक पूरा करने के लिए एक तत्व की संयोजन क्षमता है तत्व की संयोजन क्षमता जो है उसकी जो संयोजकता उसी पर निर्भर करती है या उसके वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आठ है तो संयोजन तो क्षमता शून्य होगी मतलब वह इनर्ट होगा अगर उससे कम है तो फिर वहां पर जो है वो अष्टक को पूरा करने का कर वह प्रयास करेगा ही करेगा उससे ज्यादा हो नहीं सकती है क्योंकि वाह्यतम कक्षा में आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना संभव है ही नहीं तो ये संयोजकता के बारे में एक अवधारणा है इसको आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं रासायनिक जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके बारे में रासायनिक बंध जाहिर सी बात है संयोजकता जो है मतलब अष्टक पूरा करने के लिए ही जो है वो रासायनिक बंध बनते हैं तो आइए चर्चा करते हैं रासायनिक बंधों की केमिकल बॉन्ड से वैसे आपसे प्रश्न ऐसे सच नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जहां तक पूछे जा सकते हैं मैं आपको समझा भी देता हूँ संयोजकता वाला इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है किसी भी तत्व के विषय में तो कम से कम बीस तत्वों के परमाणु क्रमांक आप रटे रहे एकदम तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे आपके यहां ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने 20 का लिख दिया था आपको उसको याद कर लीजिए उसके कन्फिगरेशन को देख लीजिए के एल एम एन एम कितने होते हैं उसको देख लीजिए और फिर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप जो है याद कर लीजिए अगर चार तक है तो फिर वही है संयोजकता और अगर जो है वो चार से ज्यादा है तो आठ में से उसको घटाकर उसकी संयोजकता को निकालेंगे क्योंकि तो किसी भी तत्व को उठाकर आपसे उसके बारे में संयोजकता पूछ ली जाती है इस तथ्य को ध्यान रखना है आपको ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्नों के ट्रेंड आपके यहाँ है और इनके लिए फिर वही है केमिस्ट्री जितना रट लेंगे उतना बेहतर होगा तो केमिकल बॉन्ड्स या रासायनिक बंध जो हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक तीसरा प्रकार भी उसकी चर्चा अलग से करेंगे हम लोग एक को कहते हैं विद्युत संयोजी इलेक्ट्रोवायलेंट एक को कहते हैं सहसंयोजी। Covalent. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उपसह संयोजी उसकी चर्चा अलग से करूंगा इसी का एक विशेष स्थिति बनती है तो उसकी चर्चा अलग से करेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो है वो धातुओं और अधातुओं के बीच बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसको ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रो बॉन्ड जो होते हैं वो धातुओं और अधातुओं के बीच में निर्मित होते हैं जबकि बॉन्ड वो वो जो हैं अधातुओं के बीच में होते हैं। एक सामान्य जो स्थिति यही होती है कि इलेक्ट्रोवैलेंट होते हैं कैसे बनते हैं क्या होते हैं मैं बता रहा हूं आपको और ये जो है वो अधातु और अधातु के बीच में बनते हैं ठीक है अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं ये मैं अलग पेज पर ले चलता हूं इलेक्ट्रोवायलेंट पर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड मैं आपसे दो तत्वों के बारे में एक आपके सामने रखता हूं एक है सोडियम और एक है क्लोरीन ठीक इन दोनों तत्वों के विषय में आप विचार करें सोडियम जो है वो इलेवन है ग्यारह चलिए यहां पर रखते हैं सोडियम को हम इसके सीधे इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं छोड़िए नाभिक वगैरह छोड़ देते हैं या चलिए ये नाभिक बना लिया ये इसकी पहली कक्षा हो गई दूसरी कक्षा हो गई तीसरी कक्षा हो गई यही चीज क्लोरीन के साथ करते हैं पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम ग्यारह है आपको पता है एलेवन मतलब दो आठ एक और ये सेवनटीन है दो आठ सात ये कंडीशन है तो ये बात हमको पता है कि पहली कक्षा जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकते ई ही। ही। दूसरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हमको रखने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है और अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसके ये इसके साथ सबको ऐसे नहीं बताने वाला हूं एक मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ हो गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नहीं होने चाहिए भाई नौ तो कतई नहीं होने चाहिए तो इलेक्ट्रॉनों को आप गिन लीजिएगा आपको आपको पता है कि कौन से किस में कितने होते हैं और बाहरी बारी कक्षा में सात ठीक है अब यह अगर स्थिरता प्राप्त करना चाहे इसके लिए इजी क्या होगा कि सात इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले किसी से सात है एक प्राप्त करना सात छोड़ना बड़ा मुश्किल भाई इतना पैसा कौन छोड़ के जाता है और इसके लिए इजी क्या है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे खत्म बात शांति शांति है स्थिरता तो यह भी जो है वो केमिकली अनस्टेबल है रासायनिक रूप से यह भी अस्थिर है यह भी रासायनिक रूप से अस्थिर है दोनों जो है वो रासायनिक रूप से अस्थिर प्रकृति के हैं लेकिन दोनों के अस्थिरता अलग अलग है यहां पर बैलेंसी क्या है एक वहां पर बैलेंसी क्या है एक आठ में से सात एक उसके पास भी एक की कमी है और इसके पास जो है वो एक की अधिकता है अगर ये एक किसी को दे दे बैलेंसी यहां भी एक है वैलेंसी वहां पर भी एक है तो ये करता है ये भी रासायनिक रूप से अस्थिर यह भी रासायनिक रूप से अस्थिर तो ये करता क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने क्लोराइड को दे दिया अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसको क्या कहेंगे जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देगा ये हो जाएगा एन प्लस इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और उसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लिया उस पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उसको कह देंगे सी एल माइनस उसने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है निकलकर ये वाला निकाल निकालकर दे दीजिए अब ये रासायनिक रूप से तो स्थिर हो गए लेकिन विद्युतीय रूप से अस्थिर हो गए दोनों ठीक है इलेक्ट्रिकली जो है वो अनस्टेबल हो गए और इलेक्ट्रिकली स्टेबल होने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आ गए क्योंकि दोनों खींचते हैं दोनों इलेक्ट्रिकली जो है अनस्टेबल हो गए हैं तो इसने कहा कि भाई तुमने इधर थोड़ा नजदीक आ जाते हैं जैसे उस पर निगेटिव आया इस पर पॉजिटिव आया यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे और बन गया सोडियम क्लोराइड ये पॉजिटिव में है वो निगेटिव इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास गया आठ हो गया और इसका क्या हो गया दो आठ हो गया एक इसने दे दिया यह जो है वो चला गया इसके पास से और इसमें एक जो है वो जुड़ गया।, हो गया दो आठ आठ और ये हो गया दो और आठ ठीक है और ये जैसे ही रासायनिक रूप से स्थिर हुए ये इलेक्ट्रिकली के जो है वो अस्थिर हो गए और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से दोनों पास में आ गए और एक कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड ये है विद्युत संयोजी बॉन्ड जिसमें एक ने जो है प्रदान किया और एक ने ग्रहण किया इसने प्रदान किया उसने ग्रहण किया तो यह जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड है विद्युत चुंबकीय सॉरी इलेक्ट्रो बैलेंट बॉन्ड है विद्युत विद्युत संयोजी बंध इसको कहते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर एक डोनर है और एक रिसिपियंट है एक प्राप्त कर रहा है और एक जो है वो दे रहा है सोडियम डोनर है और क्लोरीन जो है रिसिपियंट है तो जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ये आयन बन गया पॉजिटिव आयन और उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है तो वह बढ़ गया नेगेटिव आयन कैटाइन, एनाइन धनावेश ऋणावेश विद्युत चुम्बकी बंधन ऐसे ही बनते हैं को पर चर्चा करें सहसोजी सहस बात सह संयोजी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है जैसे हाइड्रोजन को ले लीजिए ठीक है हाइड्रोजन बेचारा जो है चलिए इसको इसकी कक्षा मान लेते हैं क्या आप इसमें और उल जरूर करें एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास बाह्यतम कक्षा में कम से कम दो तो हो ये भी अस्थिर घूम रहा है क्या करें केमिकली जो है वो इसका जो है पूरा इसकी नींद हराम हो रखी है इसको एक हाइड्रोजन और मिल गया घूम रहा था एक दिन ऐसे ही चौराहे पर इसको एक हाइड्रोजन और मिल गया उसके पास भी एक था जिसने कहा भाई अगर हम दोनों दो दो करना चाहते हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि तू इधर आ अपना वाला यहां रख मैं अपना वाला इधर रखता हूं और हम दोनों ऐसे हो जाते हैं बोले इसका फायदा क्या होगा बोले इसका फायदा यह है कि मेरा वाला तुम अपने में गिन लो तो तुम्हारा भी दो हो गया एक तुम्हारे पास पहले था मेरा वाला अपने में गिन लो मैं तुम्हारा वाला अपने में गिन लेता हूं सही तो है क्या दिक्कत है तो इसका भी दो हो गया इसका भी दो हो गया और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे ऐसे एकल सहसंयोजी संयोजी एकल जीवन बंद हो सकता है कौन सी बड़ी बात है चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन था ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मतलब दो और छे। ये था जिसके जो है वो ये कर लेते हैं ऑक्सीजन ये इसमें दो और इसमें एक दो तीन चार पांच ठीक है ऐसे ही एक ऑक्सीजन और एक दो तीन चार पांच छ छे आठ में से घटाइए दो इसकी बैलेंसी भी दो इसकी बैलेंसी दो इसको भी दो की कमी सता रही इसको भी दो की कमी सता रही है ये दोनों एक दूसरे के पास आए बोले क्यों ना हम लोग जो है वो ऐसे कर लें तुम दो मेरा अपने में गिन लो मैं दो तुम्हारा अपने में गिन लेता हूं कंडीशन ये हो जाएगी और बन जाएगा O2 यहां पर बना था H2 ये हो जाएगा द्विसह दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई हो सकती है कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल हो सकती है प्रॉब्लम क्या है तो ये बन गया और एग्जांपल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को सात होता है नाइट्रोजन तो दो इधर आ गए और एक दो तीन चार पांच पांच दो सात इसको कितने की कमी है आठ में से पांच घटाइए तीन की कमी है इसके पास अब ये नाइट्रोजन है एन सेवन मतलब दो और पांच ठीक है एक नाइट्रोजन और लेते हैं एक दो एक दो तीन चार पांच ठीक है अब इसको तीन चाहिए इसको भी तीन चाहिए तो इन्होंने कहा कि भाई एक दो तीन एन एन बन गया एन टू ट्रिपल एकल दोहरा तेरा तीन तीन बॉन्ड अच्छा लेकिन यहां पर ये नहीं कोई गलतफहमी बना लीजिएगा कि ये केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं के जोड़ने से बनता है क्योंकि हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं ताकि इसको और क्लियर आप समझ लें तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु जोड़ लेते हैं एक हमारे पास है कार्बन ठीक है कार्बन सिक्स होता है आपको पता है कार्बन इजल टू सिक्स मतलब दो और चार तो कार्बन जो हमारा है एक दो एक दो तीन चार ठीक है कार्बन है अब इसके पास चार की कमी है या तो यह जो है कार्बन ही एक और मिला ले चार चार आठ हो जाएगा या कुछ ऐसा भी कर सकता है हाइड्रोजन के पास कितना होता है एक एक एक, एक। हाइड्रोजन को एक चाहिए कार्बन को चार चाहिए इसने क्या किया इसको खींचा इसको खींचा इसको खींचा इसको खींचा मतलब सी ने जो है वो एच 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 कार्बन को जो है चार से चार मिल गया और हाइड्रोजन को एक से एक मिल गया तो ये बन गया सी एच फोर सहस तो सहस ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के परमाणु वो बनता है वो अलग अलग तरह के परमाणु बन सकता है तो ये आपका जो है वो कोवैलेंट बाउंड है सहसंयोजी बाउंड इसमें हाइड्रोजन भी अपने साथ गिन रहा है इसके और कार्बन भी अपने साथ है किसका गिन रहा है तो ये ऐसे ही शो करते हैं इसको इस तरीके से दिखाते हैं लाइंस को दिखाकर दिखाते हैं एकल है तो एक दिखा दिया दोहरा है तो दो दिखा दिया तीसरा है तो तीन दिखा दिया ऐसे है तो ऐसे दिखा दिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखिएगा आपको बॉन्ड्स की संख्या हमेशा पता रहेगी तो ये यहां से आप बना सकते हैं नेक्स्ट पर देखें थोड़ा सा आगे बढ़े थोड़ा एक खास प्रकार देखिए हम देख रहे हैं एन एच थ्री ठीक एनएच थ्री को देख रहे हैं हम लोग नाइट्रोजन हमारे पास अमोनिया है ये एनएच फोर कर लेते नाइट्रोजन का मतलब सात ठीक है सात है सात का मतलब दो और पांच तीन चाहिए इसको ठीक है और हाइड्रोजन का मतलब एक इसको एक चाहिए पांच में आठ में से पांच घटाएंगे तीन आ जाएगा अब हमने ले लिया नाइट्रोजन को एक दो तीन इस तरीके से अब इसके साथ जो है हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया ये पूरा हो गया एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया ये मान लीजिए पूरा कर लेगा या हम अपना वैसा ही बनाए एन को ले लें आ गया एक दो इस तरीके से बन गया आपका अमोनिया एन एच थ्री ठीक है अब यह जो पेयर्स हैं ये वाला पेयर या ये वाला इनको कहते हैं बाइंडिंग पेयर बंधन युग्म जो भी बने हैं और यह क्या है यह है लोन पेयर एकल युग्म एकल युग्म लोन पेयर तो ये एक ऐसा तत्व तो, अमोनिया एक ऐसा तत्व तो है जिसके पास एक अतिरिक्त लोन पेयर है एनएस थ्री के पास एक अतिरिक्त एकल युग्म लोन पेयर जो है वो पड़ा हुआ है बाकी इसका अपना काम पूरा हो चुका है इसको तीन चाहिए था तीन ले लिया इसने NH3 अपना जो है मजे में एक स्टेबल कंपाउंड बन के पड़ा हुआ है हाइड्रोजन का भी तीन इसने पूरा कर दिया है लेकिन इसके पास एक अतिरिक्त लोन पेयर जो है वो बचा हुआ है अब इसको ध्यान रखिए हमको मिल गया एक ये हाइड्रोजन ऑयन हाइड्रोजन ऑयन का क्या मतलब है इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था ये ऑलरेडी दान कर इस पर कुछ नहीं बचा है एक ही इलेक्ट्रॉन था उसको दान करके बैठा हुआ है तो यह बेचारा जो है इसके पास एक लोन पेयर की कमी है इसके पास अगर यह स्टेबल होना चाहे यह बेचारा स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहे तो इसको एक पूरा जो है पेयर चाहिए एक इसको जो है पेयर चाहिए इसके पास एक पेयर की कमी है लोन पेयर छोड़ दीजिए इसके पास एक पेयर की कमी एक जोड़े की कमी है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के क्रम में और उसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है यहां पर, like पर, पर तो मिलकर मिल कुछ बेहतर कर सकें लेकिन अब इसमें जब मिलाया जाएगा तो मुद्दा क्या बनेगा मुद्दा यह बनेगा कि ये उसके साथ जुड़ेगा तो लेकिन उसको चाहिए नहीं जो हमारा अमोनिया है उसको चाहिए नहीं उसको तो जरूरत ही नहीं है और इसको चाहिए देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है तो साझेदारी तो होगी लेकिन इस साझेदारी में एक डोनर होगा और दूसरा जो है वो प्राप्त करता होगा मतलब डोनर में वो वाला डोनर नहीं जो आपने उसमें देखा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन ही उसने उठाकर दे दिया था इसमें इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ये दे देगा हमारा ये जो है इसके पास यही लोन पेयर है बाकी तीनों तो जुड़े पड़े हैं ये तो जुड़ा हुआ है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है इसके साथ अगर ये विद्युत संयोजन बनाना चाहे और उठाकर दे दे तो अगर जैसे ही इसने इसको दिया इसके पास दो की कमी हो गई फिर से यह घूम रहा है बेचारा अनस्टेबल होकर तो ये दे तो नहीं सकता है उस तरीके से दे नहीं सकता है अब करेगा क्या ये ये बेचारा ये बोलेगा कि नजदीक आ जाओ ठीक है और अपने साथ मेरा वाला पेयर गिन लो दूंगा नहीं तुमको उस तरीके से देकर मैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं लेने वाला हूं तुम्हारे पास एक पेयर की कमी है और मेरे पास एक अतिरिक्त लोन पेयर है तुम ऐसा करो कि आके यहां पर गिन लो इसको अपने साथ बस इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूं मैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक डोनर है और दूसरा रिसिपियंट है ये दान दाता है और ये प्राप्त करता है लेकिन ये दान और प्राप्ति जो है वैसी नहीं है जैसी आपने विद्युत संयोजन में देखी थी ये दान और प्राप्ति साझेदारी के स्तर पर है ये एक ऐसी साझेदारी है जिसमें एक जो है वो साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है इलेक्ट्रॉन निकलकर उसमें जा नहीं रहा और वो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया जा रहा इसमें हो क्या रहा है साझेदारी के क्रम में NH3 दाता तथा H+ प्राप्त करता समझ पा रहे हैं बात को लेकिन अब ये इसके साथ जैसे ही इसको प्राप्त करेगा ये नजदीक आकर जो है इसने इसके साथ प्राप्त कर लिया तो ये जो आयन इसके द्वारा जो पॉजिटिव कैरी किया जा रहा था अब इसको ऐसे लिखेंगे ये तो नॉर्मल चीजें हैं इसमें तो कोई समस्या है नहीं लेकिन अब यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे इस तरीके से ये देते हुए किसने इसके दे रखा है इसने प्राप्त कर रखा है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो आ जाएगा इसके ऊपर और ये बन जाएगा यह भी साझेदारी का ही एक प्रकार है लेकिन इस साझेदारी में दाता और प्राप्तकर्ता वाला इशू जुड़ा हुआ है इसको कहते हैं उप सह संयोजी बंध कोऑर्डिनेट बाउंड ये है उप सह संयोजी इसमें दोनों के आपको जो है टेस्ट मिल रहे हैं उसमें उसका भी टेस्ट मिल रहा है जो कि आपका विद्युत संयोजी था और इसमें आपको सह संयोजी वाला टेस्ट भी प्राप्त हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यह बड़ा विशेष किस्म का बॉन्ड होता है जो यहां पर देख रहे हैं अगर किसी के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है और किसी को एक पेयर की जरूरत है तो ऐसे में अतिरिक्त लोन पेयर लेने वाला जो है जिसके पास अतिरिक्त लोन पेर है, अतिरिक्त एकल पेयर है वह साझेदारी करता है जिसको आवश्यकता है उसके साथ लेकिन इस क्रम में साझेदारी के क्रम में जो अतिरिक्त लोन पेयर वाला है वो दाता होता है और जो लैकिंग ऑफ लोन पेयर वाला था वो प्राप्त करता होता है और इसको हमेशा ऐसे दिखाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबके साथ सबको एक साथ जो है वो सबको इसमें मनाया कि आप पॉजिटिव चार्ज है चलो कोई नहीं सब मिलके थोड़ा थोड़ा बियर कर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बाहर से बियर किया जाता है कंडीशन ये बनकर आती है एनएच फोर प्लस ये उप संयोजी बॉन्ड है ठीक है किस तथ्य को आपको ध्यान रखना है तो ये तीन प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं इनको आपने देखा आप इसमें खास तौर पर जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को याद रखिएगा वहां से आपसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे और जो परमाणु के अलग अलग मॉडल्स हैं उनके जो प्रस्तोता है उनका नाम याद रखिएगा तो इस टॉपिक में इतना ही था मैं पिछले टॉपिक और इस टॉपिक के कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ऑप्शन बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन ऑप्शन सी रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय ऑप्शन डी ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है तो आपको बात पता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन या नाभिकीय संलयन कर सकते है अगला और परमाणु रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है ऑप्शन बी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है ऑप्शन सी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है ऑप्शन डी परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है तो आपको पता है कि इसमें जो बेसिक अंतर है वो नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का है परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होती है तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा अगला प्रश्न भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है ऑप्शन ए यूरेनियम ऑप्शन बी थोरियम ऑप्शन सी यूरेडियम ऑप्शन डी प्लूटोनियम तो आपके बात पता है कि भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है ऑप्शन ए कैडमियम ऑप्शन बी थोरियम ऑप्शन सी प्लूटोनियम ऑप्शन डी यूरेनियम तो आपको पता है कैडमियम जो है वो ईंधन नहीं है वह प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में या नियंत्रण छड़ के रूप में अगला प्रश्न है किसका ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है ऑप्शन ए यूरेनियम ऑप्शन बी थोरियम ऑप्शन 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 सी प्लूटोनियम डी लेड ई इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन आपका सही है डी लेड का प्रयोग नहीं होता है लेड जो है यूरेनियम विखंडन का अंतिम उत्पाद होता है ये बात याद रखिएगा यहां से प्रश्न बन सकता है कि यूरेनियम विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या होता है तो होता है लेड अगला प्रश्न है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन ऑप्शन बी फोरियम का नाभिकीय विखंडन ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट ऑप्शन डी डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट तो आपको पता है ये ड्यूटेरियम से संबंधित ऑप्शन ए सही इसमें अगला प्रश्न है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ईंधन की तरह ऑप्शन बी स्नेहक की तरह ऑप्शन सी विमंदक की तरह ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं तो आपको पता है विमंदक की तरह ऑप्शन सी सही है अगला प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन ए थोरियम ऑप्शन बी भारी पानी ऑप्शन सी रेडियम ऑप्शन डी सादा पानी तो आपको पता है ये भारी पानी है ऑप्शन बी सही है आपका अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है ऑप्शन ए खनिज यौगिक ऑप्शन बी खनिज मिश्रण ऑप्शन सी प्राकृत तत्व ऑप्शन डी उपरुक्त में से कोई नहीं तो आपके बात पता है कि प्राकृत तत्व जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक किसने खोजा था रदरफोर्ड का भी हमने एग्जाम्पल देखा था तो ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ऑप्शन बी डॉल्टन ऑप्शन सी आइंस्टीन ऑप्शन डी थॉम्सन तो थॉम्सन मॉडल भी आपने देखा रदरफोर्ड मॉडल भी देखा तो नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी ऑप्शन ए अगला प्रश्न है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ऑप्शन ए जे जे थॉम्सन ऑप्शन बी चैडविक ऑप्शन सी रदरफोर्ड ऑप्शन डी न्यूटन आपको मालूम है जेम्स चैडविक ने की थी अगला प्रश्न है हीलियम के नाभिक में होता है ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी दो प्रोटॉन, ऑप्शन सी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ऑप्शन डी एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है ऑप्शन ए अल्फा किरण ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी बीटा कण, ऑप्शन डी गामा कण तो आपको पता है बीटा में होता है अगला प्रश्न है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः अठारह तथा बीस की द्रव्यमान संख्या है ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन डी 38, ऑप्शन ई e, में में से 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 कोई नहीं या से एक से अधिक तो आप दोनों को जोड़ दीजिए आपको द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी 38, एट ऑप्शन सी सही इसमें अगला प्रश्न है परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं ऑप्शन ए समदाबिक आइसोबार्स ऑप्शन बी समावयवी आइसोमर्स ऑप्शन सी सम न्यूट्रॉनिक आइसोटो ऑप्शन डी समस्थानिक आइसोटोप्स तो प्रोटोनिक संख्या जो है वो आपको जानते हैं कि आइसोटोप से संबंधित है समस्थानिक से तो ऑप्शन डी आपका सही होगा अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर में ऑप्शन बी गाइगर काउंटर से ऑप्शन सी सिस्मोमीटर से ऑप्शन डी आमीटर से तो यहां पर ऑप्शन आपका गाइगर काउंटर है बी अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने ऑप्शन बी बैकुरल ने ऑप्शन सी बोर ने ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने तो यहां पर हेनरी को इसका श्रेय दिया जाता है ऑप्शन आप बी आपका सही होगा तो ये कुछ प्रश्न थे जिनको आपने देखा और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम पदार्थ के विषय में कुछ चर्चा करेंगे तत्व यौगिक मिश्रण इन सब के विषय में चर्चा करेंगे और जो बची हुई बातें हैं उनको करेंगे तो मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए शुभकामनाएं धन्यवाद